हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपके साथ एक गुड न्यूज के साथ एक पूरे दिन की रूटीन शेयर करूंगी और मेरा कॉलेज भी ओपन हो गया है तो आज से मैं कॉलेज भी जाना शुरू कर दूंगी क्योंकि इन पर्सन क्लासेस है और दिस सेमेस्टर मैंने 3 कोर्सेस ली हूँ और तीनों कोर्सेस बहुत ही ज्यादा टफ है, इसलिए मैंने 4 या 5 नहीं किया क्योंकि मैं खुद को ओवरलोड नहीं करना चाह रही थी। जो कोर्स है उसको अच्छे से निकालना है उसकी वजह से, तो यही मैं की हूँ मतलब 3 कोर्स का और मेरा कॉलेज जो स्टार्ट हो जाएगा। और सुबह सुबह मैं 6:30 बजे का अलार्म आपने देखा, मैं जानती हूँ मैं अलार्म तो लगाई थी बट बंद करके सो गई। लास्ट 2 नाइट से क्या हो रहा है ना, मैं सो ही नहीं पा रही हूँ, रात को नींद ही नहीं आता ठीक से। और पिछले तो ब्लॉग में आपने देखा कि लाइट चली गई थी, उस वजह से उस रात नहीं सो पाई। दूसरे कि ना मैं अपना मतलब सारा कोर्सेज ऐड हो गया था, वही सब मैं पढ़ रही थी, पूरा करिकुलम प्रोग्राम ये सब क्या क्या सिलेबस ये सब है वो सब पढ़ रही थी, तो सोते सोते काफी लेट हो गया था। और 2 दिन की जो नींद पूरा नहीं हुई थी ना, सुबह मैं ना उठने का कोशिश की, बस अलार्म बंद करके पता नहीं कैसा नींद चढ़ा था, मैं बस सो गई और उठी तो सीधा 8:15 हो गया था। मतलब कि ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी नहीं बना था, अम्बी को स्कूल भी ड्रॉप करना है उसकी वजह से, तो मैं उठते के साथ ही सबसे पहले किचन की तरफ भागी क्योंकि मुझे बनाने हैं ब्रेकफास्ट लंच दोनों बनाना है। तो मुझे सोची जल्दी जल्दी में क्या बनेगा, तो फ्राइड राइस और शॉर्टे वेजिटेबल बना देती हूँ और ब्रेकफास्ट में तो कुछ तो ग्रोनोला मिल्क कर्ड इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे अभी आम्बी को उठ गई, इसको भी उठा दी थी मैं साथ साथ में, अभी इसको ब्रेकफास्ट कर ली है और इसका मिल्क रखा हुआ, मिल्क पी रही है। मैं इसका बाल थोड़ा बोली कॉम कर देती हूँ फेस ये सब क्लीन करने के बाद, मैं इसको चली अभी स्कूल ड्रॉप कर देती हूँ। स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ और आगे की ब्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। और घर आते के साथ ही जो सब्जी सब बन गई थी सारे को मैंने रख दिया, कवर कर दिया। और आज है थर्सडे, तो थर्सडे का मुझे करना है कथा और आरती करना है और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं जल्दी से इसको पूजा करूं और मैं जाऊं कॉलेज। मुझे लगा मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी लेकिन मुझे लगा कि पूजा के बिना तो मैं कॉलेज जाऊँगी ही नहीं, पूजा मैं करूँगी चाहे कितना भी लेट हो, मेरा क्लास छूट जाए चाहे कुछ भी हो जाए मैं करूँगी तभी जाऊँगी, भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। जल्दी जल्दी से मैंने पूजा किया, कथा की, आरती की और उसके बाद में अपने कॉलेज का बैग रेडी कर लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, आप जो आपके स्केड्यूल हैं वो आपसे जब अलग हो जाते हैं ना, मतलब कि हॉलीडेज के बाद अपने स्केड्यूल में आप वापस आओ तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरा ऐसा ही हो गया है, 1 महीना की छुट्टी के बाद मैं वापस से कॉलेज के प्रिपरेशन में पहले दिन ही मैं पूरा गड़बड़ कर दी हूँ और जाना है जल्दी जल्दी से। तो मैं अभी ये बैकपैक भी रात को रेडी नहीं करके रखी थी तो अभी इसको भी पैक करने में 5 मिनट आराम से लग गए। सारा कुछ रखा, नोटबुक लैपटॉप और थोड़े से फ्रूट्स रख रही हूँ, कुछ भी खाई नहीं हूँ, एक एप्पल और बनाना ले ली हूँ, थोड़ा सा जूस और बस मैं रेडी हो गई हूँ। अब निकलती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से 45 मिनट ड्राइव करके जाना है, फिर ट्रेन लेना है, फिर क्लास के लिए वॉकिंग करना है। और हस्बैंड को भी ब्रेकफास्ट यहाँ दे दी हूँ और इनको बोली कि अम्बी को ना स्कूल ना लंच बॉक्स ड्रॉप कर देने के लिए या लिफ्ट से चले जाएंगे या वॉक करके चले जाएंगे, हालांकि स्कूल दूर है वॉक करके भी जा सकते हैं, बट बोले ठीक है तुम जाओ कॉलेज के लिए, मैं इसको लंच बॉक्स ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि अम्बी कैफेटेरिया का खाना नहीं खाती है, उसे वॉमिट हो जाता है, पेट दर्द होता है उसकी वजह से। और अभी चलिए मैं जल्दी से निकलती हूँ ट्रेन स्टेशन। और मैं यहाँ लकली ना ट्रेन ना मैं मतलब कि एकदम टाइम से मैं पहुँची, ट्रेन भी आ गया, मेरा ट्रेन मिस नहीं हुआ। और यहाँ पे अब मैं कॉलेज कैंपस में पहुँच गई हूँ, मतलब कि ट्रेन का 15 मिनट का ही राइड होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और अभी यहाँ से दौड़ते हैं क्लास के लिए क्योंकि मेरा जो मॉर्निंग का क्लास है ना, DSA का क्लास है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का, मैं ये क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाह रही थी क्योंकि इस क्लास में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। फर्स्ट डे क्लास जो होता है
बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है मतलब इंस्ट्रक्टर की तरफ से, प्रोफेसर की तरफ से। अगर आप कुछ भी मिस कर जाओ तो फिर बाद में आपको पूछना पड़ता है, उससे अच्छा है कि आप टाइम पे पहुंचो। बट मैं पहला दिन ही लेट थी, बट क्या ही कर सकते हैं। और अभी चलिए मैं फटाफट से पहुंचती हूँ अपने क्लासरूम में। और आज फर्स्ट डे है तो पूरा जो कैंपस है ना, स्टूडेंट से पूरा भरा हुआ है एकदम से, और सभी अपने क्लास के लिए भाग रहे हैं। और आप ये देखिए कितने सारे स्टूडेंट हैं और सब अपने क्लास के लिए जा रहे हैं। और चलिए मैं भी चलती हूँ अपने क्लास में, और क्लास में चलती हूँ। और यहाँ से क्लास भी है मेरा, 15 मिनट की वॉकिंग है, तो जल्दी से पहुँच जाते हैं। हालांकि मैं क्लास टाइम पे ही पहुँच गई थी, 5 मिनट का ही क्लास मिस हुआ था, ज़्यादा मिस नहीं हुआ था। बट आई वॉज लक्की कि मैंने उतना कुछ कवर कर लिया, जो छूटा था वो मैं सिलेबस में पढ़ के कम्प्लीट कर ली। और चलिए चलते हैं क्लास। तो ये वाला जो क्लास है मेरा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का क्लास है। आप ये देखिए बहुत बड़ा क्लासरूम है। इस क्लासरूम की कैपेसिटी है 150 स्टूडेंट, और ये 150 स्टूडेंट पूरा भरे हुए हैं इस क्लास में। मुझे बैठने का जगह ही नहीं मिला, 5 मिनट लेट पहुंची थी। बहुत ही कोना में एक छोटू सा जगह मिला, वहाँ पर मैं बैठी एकदम स्कूट करके। और यहाँ से बस क्लासेस स्टार्ट हो गए थे, सारा कुछ क्लास ख़त्म किया, और उसके बाद अभी क्लास ख़त्म हो गए हैं। तो अभी हम लोग, मेरी इस क्लास से दूसरे क्लास के बीच में ज़्यादा देर का गैपिंग नहीं है, मतलब 40 मिनट का ही गैपिंग है। और फर्स्ट डे था तो वो बिल्डिंग ढूंढते ढूंढते मुझे 30 मिनट्स उसी में लग गया था। तभी चलते हैं मैं अपने नेक्स्ट वाले क्लास के लिए, और वो नेक्स्ट वाला क्लास मेरा कैलकुलस का। तो इस वाले कैलकुलस क्लास भी मेरा पूरा भरा हुआ था खचाखच स्टूडेंट से। और आप देखिए कैंपस, जब बैक टू कैंपस आओ ना, इतने स्टूडेंट को देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोग अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस काफ़ी ढूंढते ढूंढते मुझे ये क्लासरूम मिला। बहुत ही ज़्यादा कॉर्नर में था ये क्लासरूम, और क्लास के जो नंबर होते हैं ना, जैसे 126, 115, 132, मुझे दिख ही नहीं रहा था कि इस वाले कॉर्नर में। और इस कॉर्नर से मैं दो बार ना घूम के वापस चली गई थी, तो फाइनली मुझे मिला और इस क्लास में आ गई हूँ। और अभी ये जो मेरा कैलकुलस का ख़त्म होगा क्लास, उसके बाद मैं डायरेक्ट घर चलूँगी। तो ये चलिए ये वाले क्लास अटेंड करते हैं। क्लास खत्म हुआ, ट्रेन लेके वापस से आ गई हूँ मैं अपने कार में। और यहाँ पे मैं आपको स्टोरी बताऊंगी जो मैंने रास्ते में मेरे साथ हुआ। आज का दिन बहुत ही केओटिक रहा, बट चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्यों ऐसा रहा। और बैग रखते हैं और चलते हैं अंदर। और आज के दिन फास्टिंग भी है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई, बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ भी खा पाऊँ। आज है January 11 और फर्स्ट डे ऑफ क्लास है दिस सेमेस्टर का, और सुबह से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। अलार्म बंद करके सो गई तो उठ नहीं पाई, क्योंकि कल से ही क्लास स्टार्ट हो गया है, तो मैं रात को पढ़ते पढ़ते लेट सोई कि सारा करिकुलम, क्लास सिलेबस ये सब देख रही थी, सारे कोर्सेज के ऑर्गेनाइज हो रही थी, तो लेट हो गया सोने का। उसके एक दिन पहले पूरा यहाँ पे स्टॉर्म आया था, थंडर आया था, पूरा रात नहीं सो पाई थी। तो दो दिन से सोई नहीं थी, तो सुबह नींद ही नहीं टूट पाया। और उसके बाद सुबह मैं योगा नहीं कर पाई, अम्बी को लंच बॉक्स नहीं पहुंचा पाई, पर मैं बना दी थी। हस्बैंड को बोली किसी तरह, वो जाओ बोले कि ठीक है तुम जाओ कॉलेज, मैं पहुंचा दूंगा। तो उसका लंच बॉक्स अम्बी को दिए। और अभी क्या हुआ ना, सारा क्लास ख़त्म करने के बाद मैं आ रही थी वापस, और इस बिल्डिंग में मैं कभी नहीं गई थी पढ़ने के लिए, तो कैलकुलस का क्लास था वहाँ पे। तो वहाँ से निकलने के बाद ना, जो टर्न लेना चाहिए था वो टर्न नहीं लेके मैं बहुत आगे चली गई थी, मतलब बहुत दूर। और उसके बाद ना 20 मिनट मैं वॉक करते करते मिल ही नहीं रहा था ट्रेन स्टेशन कहाँ है। फिर उसके बाद मैं बोली कि और आगे जाऊंगी तो और फंस जाऊंगी, फिर वापस से यू टर्न लेके मैं 20 मिनट फिर वॉकिंग करके फिर ट्रेन स्टेशन पहुंची फाइनली।
तो अभी घर जा रही हूँ, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल ही रहा है, पता नहीं। आज पहला दिन थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा, ऊपर से फास्टिंग है ना, तो कुछ खाई नहीं हूँ। फ्रूट लाई थी, खाने का मौका नहीं मिला, खा नहीं पाई। और अभी कार में खाती हूँ, फिर निकलती हूँ घर के लिए, और उसके बाद फिर अम्बी को भी पिकअप करना है। तो एक दिन गड़बड़ होता है, सारा दिन गड़बड़ हो जाता है। तो मेरा पहली बार योगा भी मिस हो गया, जो कि मैं शाम में करूंगी। एनी हाउ क्लास खत्म हो गया, सारे कुछ खत्म हो गया, अभी चलिए चलते हैं घर। बाकी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फिर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे असाइनमेंट है, बहुत सारे बहुत सारे, मतलब कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक होता है ना, बहुत ही ज्यादा सेटअप करना होता है। तो सारा तीनों कोर्स है, बहुत ही ज्यादा टफ है। तो आई होप कि मैं कर पाऊँ जल्दी जल्दी सारा कुछ, ब्लॉग भी बना पाऊँ। हो सके तो मैं, अगर कंटिन्यू हुआ तो मैं ब्लॉग भी करूँगी, नहीं हो पाया तो मैं फिर पढ़ाई पे फोकस करूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होगा इस सेमेस्टर में, उतना ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी शायद। तो चलिए, मैं यही बोलना था कि गड़बड़ गड़बड़ पूरा दिन चल रहा है। और बाकी का तो जो है सो है, अभी चलते हैं घर, घर भी जाने में 40 मिनट लगेगा, तो चलिए चलते हैं। तो ये सब चलता ही रहता है। घर पहुंची, जैसे ही मैंने मोबाइल देखा तो मेरे वो 1,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। मैं बहुत ज्यादा खुश हुई, और मुझे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा थैंक यू बोलना है, आप लोगों को भगवान का भी थैंक यू बोलना है। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है फ्रेंड, कि आप मेरी वीडियो पूरा देखिए। सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए हैं, वॉच टाइम नहीं पूरा हुआ है। तो आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखते तो पूरे एंड तक देखिए। मुझे पता है मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो पूरी वीडियो देखते हैं, और कुछ फ्रेंड है जो थोड़ी सी वीडियो देख के बंद कर देते हैं, बट जब वीडियो क्लिक करते हैं तो प्लीज थोड़ा वीडियो पूरा देखिए, तो मुझे हेल्प मिल जाएगा। और आपको बहुत ज्यादा दिल से थैंक यू। और चलिए, मैं ना वहां पे दिखाई, घर आके शावर ली, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा सर में दर्द हो रहा था। तो चाय वाय बनाई, चाय बना के फिर पी, और अम्बी को स्कूल से लेके आई, शाम का पूजा की, और अभी खाना बनाने के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, पालक पनीर बना रही हूँ। दिन वाले बहुत सारे फ्राइड राइस हैं, तो हस्बैंड बोले कि सिर्फ सब्जी बना दो और इसी राइस में खा लेंगे। मेरा तो थर्सडे था तो मुझे खाना नहीं था, तो मैं बस यहाँ पे पालक पनीर की बहुत ही सिंपल सी सब्जी बना रही हूँ। जैसा प्याज टमाटर ये सबको फ्राई किया, और पालक को ब्लांच करके उसकी प्यूरी बना के इसमें डाल दिया। और ये वाले राइस है दिन के, तो इसको मैं गर्म कर देती हूँ। और बहुत तेज भूख लग गया था सब कोई को, आम्बी को भी, हस्बैंड को भी, और मुझे खाना नहीं था तो मेरा तो फास्ट ही था। तो अभी चलिए उन लोगों को मैं दे देती हूँ, ये हस्बैंड के लिए सर्व कर देती हूँ उनकी प्लेट, वो खा लेंगे। और आम्बी को मैं भी दे दी हूँ, और मुझे भी ना बहुत भूख लग रहा था, क्योंकि मैं पूरा दिन एक बनाना खाई के ही थी। किसी तरह से कार में खाई और वापस आ गई। और अभी ना मतलब जैसा कि सारा कुछ गड़बड़ चल रहा था, तो मैं सुबह को बर्तन भी खाली नहीं कर पाई थी, डिशवाशर खाली की, और यहाँ पे अपने लिए 2 स्वीट पोटैटो बेक करने के लिए रख दी हूँ। और बेक हो जाए जब तक, तब तक मैं अपना पूरा बर्तन किचन में धो लेती हूँ, पूरा सिंक जो है उसको खाली कर देती हूँ, डिशवाशर को अनलोड करके फिर से लोड कर देती हूँ जितने भी गंदे वाले बर्तन है पूरे दिन के। और चलिए, मेरा ये सब काम तो होता ही रहेगा। और मेरा यहाँ स्वीट पोटैटो बॉयल मतलब कि बेक हो गया है, तो मैं खाने लग गई। और आज के इस वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करने वाली हूँ कि ये वाला जो योगा है ना, ऑनलाइन योगा है, मैं सुबह नहीं कर पाई थी तो योगा मैं शाम को कर रही हूँ, बट ये वाला जो योगा है ना, ये लोग ना गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में ना अपना नॉमिनेशन किए थे। तो इन लोगों का ना ये मतलब कि कितने लोगों को ऑनलाइन आप ला सकते हैं, ये वही वाला है। और ये लोग फ्री योगा क्लास दे रहे थे। एक्चुअली मैं बहुत सारा है ना ऐप से योगा करती थी, मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। ये जो लोग करवा रहे हैं ना इन पर्सन, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज ना बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये लोग जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। So yeah, just to recap, the minimum to beat here was 30,000 concurrent viewers, and by that we mean the amount of people listening at one particular moment, and we take the maximum figure from that. So yes, the minimum to beat was 30,000. I can confirm that you are all officially Guinness World Record holders today. Congratulations! Here is the certificate.
Thank you. Well done, I'll put that in front of you. I still need to validate the exact total, but I think it's in the region of 245,000, so that's fantastic. And it's a fantastic achievement when the minimum is only 30,000, so you've nearly like 10 times that more, so it's fantastic. Yeah, really smashed it, and it's a great achievement. So congratulations to everyone involved today. It's a really fantastic achievement. You're officially amazing, all of you. So we have the team also with us. Yes. So it's all the hard work of our team and also the participants who are there with us right now. Everyone has helped us a lot to help to get to this stage. So thank you everyone for joining in, and over to the team. और बस योगा मैंने 45 मिनट खत्म किया और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि मैं ये इस वाले गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का पार्ट हूँ और इन्होंने मुझे सर्टिफिकेट भी दिया। और उसके बाद यहाँ पे अम्बी को खेलना था, तो अभी पूरा दिन का स्ट्रेस इसके साथ ही निकालूंगी। तो इसने मुझे यहाँ पे एक बिनीबू का पाइल अप कर दिया है और उसे बोल रही है इसको एक दूसरे बिनीबू से गिराना है। तो इसके साथ मैंने थोड़ा सा खेला और उसके बाद मैं पढ़ने वढ़ने के लिए चली गई, क्योंकि रात के पूरे जो भी काम बचे थे सब मैंने खत्म किया। और ये सब वही है, रिकॉर्डिंग है जो इन लोगों ने बात कर रहे थे, जिन ये लोग अपना रिकॉर्ड इनके नाम हुआ। मतलब कि किसी भी चीज में आपको मन लगा के काम करो ना, दिल से करो ना, तो भगवान आपकी हेल्प जरूर करते हैं। तो इन लोगों ने बहुत ही मेहनत की, बहुत सारे लोगों को एक साथ ऑनलाइन लाया। 30 के ही लोग चाहिए थे इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए, बट आपको पता है कितने लोग ज्वाइन किए थे? 2 लाख से भी ज्यादा लोग ज्वाइन किए थे ऑनलाइन योगा के लिए। मतलब कि योगा कितना ज्यादा अच्छा है, लोग करना चाहते हैं बट वही पैसे की बात आ जाती है, लोग पैसा देना है इसलिए नहीं करते हैं। और वही वजह से मतलब फ्री था तो काफ़ी लोग ज्वाइन किए थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इस वाले योगा करते हुए। और आ गई हूँ मैं पढ़ने के लिए। एमबी भी अपना असाइनमेंट लेके बैठ गई है, उसको भी पढ़ना है। और ये अपना बुक ये सब ले ली है, क्योंकि अब ये पढ़ेगी यहाँ पर, क्योंकि कितना बज रहा था, 10:30 बज रहा था शायद, और थोड़ी देर पढ़ लेगी फिर ये भी सो जाएगी। और मैं भी अपना ले ली हूँ लैपटॉप, ये सब बेड पे ही यहाँ पे बैठ के पढ़ूंगी। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड। गुड न्यूज यही था कि मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए आप लोग की मदद से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर, और अपना खूब सारा ख्याल रखे। बाय फ्रेंड।